हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है स्क्रॉन। ये 1993 में आई है। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो कपल को देखते हैं। उसका बीबी का फायदा एक आदमी उठा लेता है। रूम में जो उस औरत का हस्बैंड होता है वो किस दिन के बाद सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसका बीबी का फायदा उठाने के बाद भी उसका हस्बैंड का बिजनेस में बहुत सारा नुकसान होता है। इस वजह से उसका हस्बैंड सुसाइड कर लेता है। फिर उसका वाइफ एड्रेसा बदला लेने का प्लान बनाती है। फिर वो दूसरी फैमिली के पास जाती है एड्रेसना प्रोफेशनल ट्विटर बनके। फिर एड्रेसा धीरे धीरे उसके बेटे रॉकी के करीब आने लगती है और वो रॉकी को देख के अपने आप को प्लेजर बनाती है और रॉकी के साथ प्यार करने का प्लान बनाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंड्रेसा बड़ी चालाकी से उनके हाउसमेट को मार डालती है। उनका हाउसमेट का नाम बेला होता है, जो कि स्टोर रूम में उसका लाश पड़ी हुई थी। फिर हम देखते हैं कि रवि के घर एंड्रेसा आती है, जिससे रवि एंड्रामैन को अपना ग्रेड दिखाता है। फिर कुछ देर बाद वो दोनों प्यार भी करते हैं। फिर कुछ देर के बाद बेला घर आती है और वो अपने रूममेट बेला को मरा हुआ देख कर बहुत रोती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि अलेंडा एलिस को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और इस चीज को रवि एक विंडो से देख रहा होता है, जिसे देखने के बाद रवि अपने पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और जेलस फील करता है। फिर अगले दिन अमेंडा रवि को भड़काती है उसके पापा के खिलाफ कि तुम्हारे पापा ने मेरे साथ जोर जबरदस्त करने की कोशिश की थी। फिर हम देखते हैं कि रात को अमेंडा मरीना के घर की लाइट को कट कर देती है, जिसकी वजह से मरीना अंधेरे की डर से और कन्फ्यूजन की वजह से अपने पति का ही हाथ काट डालती है। फिर वो दोनों में लड़ाई होता है और उसका पति बोलता है कि तुम मुझे जानबूझकर मारना चाहती थी। फिर अगले दिन जब एलिक्स ऑफिस जाता है तो उसे वहाँ पता चलता है कि अमेंडा ट्रूमैन की वाइफ है, जो अपने पति का बदला मुझसे लेने आई है। फिर हम देखते हैं कि अमेंडा एलिक्स के वाइफ को मारने ही वाली थी और ये सब जानने के बाद एलिक्स दौड़ते हुए घर आता है, जहाँ वो देखता है कि अमेंडा उसकी पत्नी को मार रही होती है, जिससे एलिक्स अमेंडा को धक्का देके खिड़की के बाहर गिरा देता है। फिर यहाँ पूछताछ के बाद हम जानते हैं कि अमेंडा की लाश नहीं मिलती है, क्योंकि वो कहीं और जा चुकी थी किसी और के साथ में। और इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। फिर मिलते हैं और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय।